Good morning, my dear student. How are you? I think you all are safe and well, healthy. आप लोग जहाँ भी रहे बढ़िया से रहे. चलिए मैं आज का जो नया क्लास लेकर के आया हूँ मेरे इस क्लास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाय सच्चिदानंद में, और ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब. जो लोग नए लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर करके देख सकते हैं मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं. आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो हमारे नए वीडियोज़ आएंगे आगे आने वाले टॉपिक जो हमारे कवर करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें. साथ में अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं. चलिए मैं आज जो नया वीडियो लेकर आया हूँ वो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सर्फेस, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेसिस का ही एक क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, और ये क्वेश्चन बेस है सिलेंडर के बेसिस पे. तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन देखा इससे पहले, और सिलेंडर का भी करीब करीब हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं. ईजीएस्ट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन में क्या है और वो उसको कैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो माई डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास में क्वेश्चन होता है वो सॉलिड के बेसिस पे है. उसमें सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन करना है, और प्रोजेक्शन के बाद में सेक्शन करना है, और लास्ट में हमें डेवलपमेंट करना है. लेकिन हमें इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आना बहुत ज़रूरी है. वो आपने सीख लिया तो सेक्शन ऑफ सॉलिड आना बहुत ज़रूरी है. ये सब सीखने के बाद आप डेवलपमेंट सीधे भी कर सकते हैं. सीधी सीधी कोई क्वेश्चन आती नहीं है. तो हमें क्या करना होता है इन सब चीज़ों को, ये हमारे पुराने, अगर जो लोग नए जुड़े हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे कुछ पुराने वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल के थ्रू आप जा करके देख सकते हैं. तो आपको ये सारे के सारे आपको मैं बेस से सिलेंडर का जो बेसिक कंसेप्ट है, ये सॉलिड का, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का बेसिक कंसेप्ट से मैं वहाँ पढ़ाया हूँ, तो आप लोग वहाँ देख कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं. चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ. ए सिलेंडर ऑफ 50 mm डायामीटर एंड 70 mm हाई इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP. ए सेक्शन प्लेन, वो हमारा जो दिया था एक सिलेंडर है 50 mm डायामीटर है एंड 70 mm हाइट है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपने बेस पे रेस्ट कर रहा है. ये आपको प्रोजेक्शन करना है, ठीक है. इसके बाद में ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP. अब सेक्शन प्लेन एक पास कर रही है जो कि परपेंडिकुलर टू VP, मतलब कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, सेक्शन प्लेन लाइन कहाँ पे दिखाई देंगे, वर्टिकल प्लेन पे. इसको तो आप समझ लीजिए VP एंड इंक्लाइंड एट 45 degree टू HP. हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 degree इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब हमें वर्टिकल प्लेन पे पहले लाइन ड्रॉ करना है, और वो भी 45 degree से इंक्लाइन करके. और कहाँ से पास कर रहा है ये HP इज इंटरसेक्ट द एक्सिस. ये वाले लाइन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हो तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, अगर इसके जगह पर आप ये समझेंगे 45 degree टू HP इज इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर के एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कहाँ, 50 mm अबव द बेस ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के बेस से 50 mm हाइट पर जाएंगे, वहाँ से कहीं ना कहीं 45 degree का इंक्लाइन लाइन या प्लेन कह सकते हैं वो पास कर रहा है. डेवलप द लेटरल सर्फेसिज ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, बाकी जो रिमेनिंग सिलेंडर बचेंगे आफ्टर द सेक्शनिंग उसे हमें क्या करना है, कट करना है, मतलब उसको हम डेवलप्ड करना है, ठीक है. तो हम लोग आगे इसको प्रोसीजर फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम तो यहाँ से हम इसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बना लेंगे, फ्रंट व्यू का नेमिंग भी कर देंगे यहाँ पे. आ गया, यहाँ देखेंगे हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश टी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश. सिमिलरली यहाँ 1 डैश
टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, सेवन डैश, एट डैश। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो हमने बनाया है ये प्रोजेक्शन बनाया है। प्रोजेक्शन के बाद दूसरा काम करना है इसमें क्या, सेक्शन करना है। नेक्स्ट टाइम हम इसको सेक्शन करेंगे सबसे पहले, और सेक्शन करने का क्या मेथड है कि हमें 45 डिग्री से एक इंक्लाइंड लाइन लेना है, और वो लाइन कहाँ से होगा जो पास कर रहा है 50 mm एबव द बेस। अब बेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से ये बेस है और इसके ऊपर कितना 50 mm इसका डायमीटर भी, तो इतना हम ऊपर जाके कट कर लेते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कोई 45 डिग्री का एक लाइन पास कर रहा होगा, तो इसके पैरेलल लाइन ले लेते हैं जो कि यहाँ से पास कर रहा है। 45 डिग्री का लाइन हम अगर लेते हैं तो ये पास कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो हम इस लाइन को हम पास करवाते हैं। एक्सोलरी इंक्लाइन प्लेन कहे जाएंगे ये, AIP ये कहे जाएंगे। तो ये सेक्शन का होगा। आफ्टर द सेक्शनिंग पार्ट हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो बचेगा कहाँ से, अगर देखा जाए तो ये बचेंगे, ठीक है। अगर आपको सेक्शन में ट्रू शेप वगैरह कहता है निकालने के लिए तो आप ट्रू शेप भी निकालें, अगर नहीं कर रहा तब सेक्शनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू हम बना देंगे। टॉप से अगर देखते हैं तो हमें जो सारा का सारा एरिया दिखाई देगा, मतलब कि ऊपर का टॉप फेस का, बस यहाँ से मतलब डी और एफ के सामने के बाद में हमें कटा नहीं दिखा, डी और एफ ये है तो ये पार्ट हमें बिल्कुल कटा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं वो सभी के सभी कट जाएंगे। सी और जी नहीं बचेंगे, बी और एच नहीं बचेंगे, ए नहीं बचेंगे, तो ये सब बाकी पार्ट। तो बाकी जो पार्ट बचेंगे उसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए 1, 2 है, यहाँ पे नाम देते हैं हम पी, है ना, पी डैश, बी के नीचे क्यू डैश, यहाँ आर डैश, और यहाँ पे एस डैश, फिर इसी पे दूसरा पॉइंट है टी डैश, यू डैश, वी डैश, यहाँ पे एक ही लाइन है इसलिए पी क्यू आर एस टी यू बी, ठीक है। तो इतने नेम हो गए, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ए बी सी डी एफ जी एच ये नहीं बचेंगे, ओनली ई बचेगा यहाँ पे, या डी और एफ को हम रहने भी दें क्योंकि ये पॉइंट लास्ट में ही है। एक काम करते इसको रहने देते हैं, क्या आप चले नेम दे दिया तो हमने इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे ए के जस्ट ऊपर हो जाएंगे, 1 के जस्ट ऊपर में ए के बदले में हो जाएंगे यहाँ पे पी डैश, यहाँ पे क्यू पी वन, सॉरी पी क्यू बदले में आर, इसके बदले में एस, इसके बदले में टी, इसके बदले में यू, इसके बदले में वी, और ई ऑलरेडी बचे ही रहेंगे। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें सेक्शन पार्ट दिखाई देंगे, इसको आप हैच कर दे सकते हैं, ये पार्ट को हम हैच कर देंगे, और रिमेनिंग पार्ट ये भी बचा हुआ है, ये अनकट पार्ट है। तो टॉप से अगर देखेंगे आप, इसको अगर टॉप से देख रहे हैं तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, और इसको अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो करीब करीब ये हमें सेक्शन के बाद में ये बन चुका है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसका डेवलपमेंट करना है, सारा जो सरफेस है उसको डेवलप करना है। तो आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो इसका हाइट है, ट्रू हाइट है कौन सा, 5 और ई, यहाँ से अगर देखेंगे 5 और ई जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे, मतलब ये पैरेलल लाइंस है किससे, वीपी से पैरेलल, मतलब वीपी में ट्रू शेप में है। तो इतना लेंथ का इसको कवर करने में जो एरिया जो खर्च हुआ, एरिया जो हमारा लिया गया होगा वो एरिया कौन सा होगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल एरिया होगा। वो एरिया क्या है, 2πr की वैल्यू होगी, है ना, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएंगे, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितने होते हैं, 2πr, जहाँ पे हमें गिवन है, अगर यहाँ देखते हैं 2πr, और जिसमें r है क्या हमारे पास में 2 × 3.14 × r की वैल्यू है यहाँ पे
25 mm है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15.70 है ना, 15.70 इसमें करीब करीब 157। mm का डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है क्या, 2πr की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15.7 का एक डिस्टेंस लेते हैं सबसे पहले, अगर इस डिस्टेंस को अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है कितना, 157 mm, ये डिस्टेंस हमने ले लिया। और इसका हाइट कितना है, इस ये अगर ये सीट अगर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर सीट दिखाई देता है, अगर इस सीट को हम चारों तरफ इस सिलेंडर को फोल्ड करें तो ये कवर कर लेगा बिल्कुल ही। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है इसका डेवलपमेंट होल बॉडी का मिल चुका है, लेकिन होल बॉडी का डेवलपमेंट मिलने से हमें ये नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंट पार्ट में जो सेक्शन हुए, सेक्शन वाले पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट को, सेक्शन वाले पार्ट को हटा करके रिमेनिंग पार्ट को हटाया। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जितना पार्ट में हमने सर्कल को डिवाइड किया है उतना पार्ट में हम इसको, सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसे भी हम 8 इक्वल पार्ट में हम क्लियर डिवाइड कर देंगे। ये देख लीजिए, आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए सबसे बढ़िया। और यहां से यहां हो गया 4 इक्वल पार्ट में, तो हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में कर दिया। अब यहाँ से नेमिंग अगर करना चाहे हम, तो हमें फिर वही करना है, पॉइंट ए से हमने माले अनफोल्ड किया था, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे ये हो जाएंगे ए, फिर पीछे का पार्ट यहाँ से भी, यहाँ भी ए हो जाएंगे, बी सी डी ई एफ जी एच, वहाँ 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
ये इसका हो गया ओरिजिनल। अगर पूरा होल अगर बॉडी हो तो होल बॉडी का अगर डेवलपमेंट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेक्शन पार्ट है तो हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट लाइन है वन एंड ए के बीच में कौन सा पॉइंट है और कितना डिस्टेंस पे है, ये हम मार्क कर लेते हैं। वन और ए के बीच में पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमें यहाँ से सीधे डायरेक्ट मेजर करेंगे और इसको हम वन और ए के बीच में यहाँ कट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। सिमिलरली टू और बी के बीच में या एट एंड बी के बीच में सेम डिस्टेंस है, टू और पी एट एंड एच यहाँ हमने कट कर लिया, पी क्यू ये अगर नाम था पी पी तो यहाँ है क्यू और यहाँ है वी। नेक्स्ट पॉइंट है आर एंड यू, ये है थ्री और सी के बीच में एंड सेवन एंड जी के बीच में, आर एंड यू। नेक्स्ट पॉइंट है एस एंड एफ, ये बिल्कुल टॉप पे ही है, इस पॉइंट पे है, यहीं मार्क हो रहा है, इसका नाम हम हटा के कर देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ एस है और यहाँ है टी, तो ये डिफरेंट नेम हो जाएंगे। जो आपको रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है इसको हम डार्क कर देते हैं, एस ये डिफरेंट पॉइंट हो जाएंगे, इसका नाम है यू, इसका नाम है वी, इसका नाम है पी, ये यहाँ है टी एंड ये तो ई पॉइंट रहेंगे ही बचे हुए, एस यहाँ हो जाएंगे, एस आर क्यू पी, यहाँ देख रहे हैं डी और एफ के जगह पे, डी और एफ के जगह पे एस एंड टी आ गया, ई अपने जगह पे ही है, वहाँ कोई रिमेन कट है तो वो वही वही पाइप पे वो पॉइंट होगा वो। अब जो रिमेनिंग पॉइंट यहाँ देखेंगे वन है ही, एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ये सभी पॉइंट है, तो रिमेनिंग पॉइंट को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे सारे पॉइंट को हम पी क्यू आर एस इन सभी पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को। सिलेंडर के केस में हमारा सारा जो पाथ होता है लेट जो जनरेटिंग पार्ट होता है वो कर्व पाथ होता है, तो हमें इसको कर्व से मिलाना है और कर्व को हम इनवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे, आउटवर्ड में नहीं इनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से मिलाएंगे इसको ऐसे करके ऐसे, तो इसको भी सिमिलरली ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से डायरेक्ट ये टॉप फेसेस है, मतलब इतने पार्ट को हमने सीधा कर दिया तो ये आ गया, ये ऐसे ये आ जाएंगे। तो ये जो पार्ट है पी से वन मिल गया, वी से एट मिल गया, यू से, ये सभी के सभी हो जाएंगे। आप चाहे तो इस बीच में इसको भी डार्क कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कर देंगे तो बढ़िया है, क्योंकि हमने इस लाइन को जनरेट किया, जनरेटर के ऊपर हमने मार्क किया है, इसलिए हम इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, क्या ये सेक्शन पार्ट ऑफ द सिलेंडर का हमें डेवलपमेंट मिल गया यहाँ पे। आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट अगर सिलेंडर में हो तो सबसे पहले सिलेंडर को डेवलप करेंगे और उसके बाद में जो कटिंग सेक्शन पार्ट है उसको हम जगह जगह जहाँ भी होगा मार्क करके हम उसको नेमिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ, लेकिन अब नया वीडियो में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन शुरुआत करूंगा, तो उसमें हम लोग मिलते हैं और फिर बात करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अभी तक जो हम लोगों ने देख रहे थे सभी के सभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर नीड होगा तो मैं कुछ एक वीडियो भाई बाद में बना दूंगा, नहीं तो आप लोग खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कतें होंगी जहाँ कोई होगा तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से। ओके थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ। ओके।